देखो, जिन स्टूडेंट ने NUS में अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था, आप सबको मैंने इन्फॉर्म किया था कि आप लोग के लिए जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और आज 11 जुलाई है और आज से आप लोग का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, किसी रीज़न से एक सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में रह गए हैं और या फिर दूसरे रीजन से वो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के, तो अब आप लोग अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यानी कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, और आपकी फ़ीस कितनी लगेगी पर सब्जेक्ट, ये भी है यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है, और यहाँ पर डेट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट डेट क्या है ये आपको जान लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लेट फीस आप लोग की कब से लगने वाली है। तो चलिए सब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम नोटिफिकेशन पे नज़र मारेंगे जो कि पहले आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा हुआ है फॉर ऑल रजिस्टर्ड लर्नर फॉर अप्रैल मई 2023 एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये जो आपका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये सिर्फ अप्रैल मई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स का है जो अभी हाल ही में 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो देखो, विदाउट लेट फीस जो आपकी डेट आई हुई है वो 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच की आई हुई है, यानी कि आज से लेके 20 जुलाई के बीच में अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करोगे अगर आप 10वीं क्लास के हो 12वीं क्लास के हो, तो उस केस में आपको लेट फीस नहीं लगेगा। जो आप लोग की पर सब्जेक्ट फीस यहाँ पर NUS ने रख रखी है वही फीस आपको देना होगा। तो विदाउट लेट फीस जो डेट है ना 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच का है, इस बीच में आपको यहाँ पर अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का पे कर देना है। और देखो, अगर डिले करोगे तो उस केस में 21 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना कि 21 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में अगर अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करते हो, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करते हो, तो उस केस में आपको 100 रुपये पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा फ़ीस देना होगा, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम फीस बनेगा उसके ऊपर से 100 रुपये आपको देना होगा अगर आप 21 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करते हो। और नेक्स्ट दिया गया है 26 जुलाई से लेके 30 जुलाई का। देखो, अगर आप 26 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस केस में आपको 1500 रुपये पर लर्नर कंसोलिडेट फीस के साथ आपको यहाँ पर फ़ीस पे करनी होगी। तो इन चीज़ों का यहाँ पर आप ध्यान रखना। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट में दिया गया है जो कि आपको समझते चलना है। देखो, यहाँ पे नोट में दिया गया है कि आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझ लो। अगर आप देखो 5 सब्जेक्ट ले रखे हो या 6 सब्जेक्ट ले रखे हो या 7 सब्जेक्ट ले रखे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दूँ 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा आपको करना भी नहीं है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन जो मिलेगा 4 ही मिलेगा। हालांकि देखो, आपके 4.5 सब्जेक्ट्स होंगे लेकिन अप्लाई आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट का करना है। 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, उस केस में आपका NUS रिजल्ट ही नहीं बनाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, फीस तो यहाँ से आप पे भी कर दोगे 5 सब्जेक्ट का, लेकिन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा वो उसमें आपका रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक है, और ना ही आपकी मार्कशीट NUS आपको देगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लिए हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है और मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट भी बता दिया है कि 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट इसमें एलिजिबल होंगे आप लोग, तो वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलो, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आप देखोगे एग्ज़ाम फीस रजिस्ट्रेशन फॉर अक्टूबर नवंबर 2023 एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना होगा और आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे एग्ज़ाम फीस सबमिशन अक्टूबर नवंबर 2023 एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पर आपका रोल नंबर, आपका नेम वगैरह यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपने जितने भी सब्जेक्ट ले रखे हैं ना, उतने सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो, ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, टोटल 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं,
लेकिन देखो नीचे नोट में लिखा हुआ है कि चार सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। चार सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करोगे तो उस केस में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ना ही आपको मार्कशीट मिलेगी। भले ही आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दे दो, भले ही आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लो, लेकिन चार सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करोगे तो उस केस में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो अगर आपको यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं और इसमें ना एक कॉलम दिया गया है, तो जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ से एग्ज़ाम देना है, जैसे कि मान लो कि अगर आपको बेसिक कंप्यूटिंग का एग्ज़ाम देना है या इंग्लिश का देना है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देना है या फिर मैथमेटिक्स का देना है, तो इनमें से चार सब्जेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। और मिनिमम एक, दो, तीन, चार, जितना भी करना चाहो कर सकते हो। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है ना, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे टिक करोगा, टिक करोगे यहाँ पे, ये देखो ये टिक करोगे जितने भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। और टिक करने के बाद क्या करोगे ना, सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी फ़ीस ये बता देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर फ़ीस यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे 1290 रुपये है। अब देखो फ़ीस का क्या है ना कि फ़ीस आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, तो देखो अगर आपको सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम देना है ना, जैसे कि इंग्लिश हो गया इसका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम होता है, हिंदी हो गया इसका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इनका जो सब्जेक्ट का फ़ीस होता है ना पर सब्जेक्ट 500 प्लस होता है। और देखो जो मतलब प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं जिनका थ्योरी एग्ज़ाम भी होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, जैसे कि मैं नाम लूँ तो ज्योग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनका जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है ना ये होता है 600 प्लस, ठीक है। अब मैं एक सब्जेक्ट का यहाँ पे फ़ीस बताऊँ आपको तो मैं पीछे चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि इंग्लिश का हम यहाँ पे फ़ीस जानेंगे, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का जो फ़ीस बता रहा है ना ये 300 बता रहा है। क्यों बता रहा है 300, क्योंकि देखो इसका जो है ना, ना तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है ना ही TMA होना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, आप एक्स स्टूडेंट हो और एक्स स्टूडेंट ने ऑलरेडी TMA प्रैक्टिकल जमा करा दिया है, ठीक है, तो वही वाले उनके मार्क्स ना यहाँ पे चढ़ जाएंगे। इनको क्या करना होगा, सिर्फ इनको थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा। फ़ीस जो है ना 300 रुपये है, लेकिन 300 रुपये के साथ 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा कन्वीनियंस फ़ीस, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग फ़ीस है इनका, जो कि NUIC लेती है। तो यहाँ पर आप देख लेना। और जैसे कि मैं आपको एक सब्जेक्ट का दिखाऊँ जैसे कि प्रैक्टिकल टाइप का, तो इसका फ़ीस जो बनेगा अभी, अब देखो ये ना पासिंग ईयर के मतलब एडमिशन ईयर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो फ़ीस बता रहा है ना प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट का, ये 420 बता रहा है, ठीक है, 420 प्लस 50, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप देखो एक्स स्टूडेंट हो, जैसे कि अभी तो मतलब 2023 का ही भरा रहा है, लेकिन अगर पुराने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ना NUS ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितने भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है वो सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया वो आपके सामने है, फ़ीस आपके सामने है। पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कोई एक मेथड सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पहला ऑप्शन, UPI में सारे आ जाते हैं, गूगल पे, भीम पे, पेटीएम सब, ठीक है। QR कोड स्कैन करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज़ UPI आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना UPI ID डाल दोगे। पेटीएम में आपको UPI ID मिल जाता है, या आप फ़ोनपे चलाते हो तो वहाँ पे भी आपको UPI ID मिल जाता है, तो वहाँ पर ये वेरीफाई करके अपना पेमेंट कर दोगे। और देखो पेमेंट करने के बाद ना आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ करके, ये आप देखोगे मैं यहाँ पर UPI ID डाल देता हूँ, ये देखो। अगर आपने पेटीएम बना रखा होगा ना तो यहाँ पे UPI ID इसे ही कहते हैं, कॉपी कर लोगे और वहाँ पे पेस्ट कर दोगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका नाम वगैरह आ जाएगा। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी फ़ीस से बता देंगे कि टोटल फ़ीस आपकी कितनी लगने वाली है, ठीक है। प्रोसीडिंग टू फीस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये आपके रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे कि ये देखो पेटीएम पे रिक्वेस्ट आया है। इसे मैं देखो अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रिक्वेस्ट आ गया है 1414 रुपये का, ठीक है। और पे सिक्योरली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं OTP डालूंगा अपना, यानी कि जो पासवर्ड है मेरा, वो डाल के सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से पेमेंट हो जाएगा ना तो मैं बैक आ जाऊँगा, ठीक है। बैक आ जाऊँगा इसी वेबसाइट पे जब मेरा पेमेंट हो जाएगा यहाँ से, तो और यहाँ पर मैं वेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वेट करूँगा, कितनी देर वेट करना है तो देखो जब तक आपका सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर वेट ही करना है, ठीक है।
आप ये मत समझना कि 5 मिनट हो गए तो अभी मतलब इस यहाँ पे, कहने का मतलब है कि इसको आपको रिफ्रेश नहीं करना है ना बैक जाना है। पेटीएम से पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद वहाँ से हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आकर आपको वेट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आपने कुछ जल्दीबाजी की तो आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, पेमेंट जो है अटक जाएगा एक तरीके से, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी देखो आप लोग के लिए जो हॉल टिकट आनी है उसके लिए अभी आपको वेट करना होगा, एग्ज़ाम से 7 दिन पहले हॉल टिकट आता है, और हॉल टिकट से पहले भी ना आप लोग की अभी फाइनल डेट शीट आनी है थ्योरी एग्ज़ाम की, फिर उससे पहले इन लोगों का जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं इनका अभी क्या है कि मतलब ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होना है सितंबर में, अगस्त में इनका पीसीपी क्लासेस भी चलने वाली है, तो अभी तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होगा, लेकिन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लो। क्योंकि देखो यहाँ पर कई बार होता है ना कि एनवीएस में कोई गड़बड़ी आने लग शुरू हो जाती है तो पेमेंट वगैरह कर ही नहीं पाते स्टूडेंट्स, जैसे कि ओटीपी वगैरह नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि एंड मोमेंट पे जब आप करने जाते हो ना तभी मिलती है। तो आज से आप लोग का देखो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, बिना किसी लेट फीस के साथ यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जो फीस मैंने आपको बताया ना, फीस आपको बताया ये, ठीक है, जो ऑफिशियल फीस है वो, ठीक है, इसमें फ़ीस में थोड़ी सी मतलब जब दूसरे बंदे से करवाओगे तो वो थोड़ा सा मतलब अपना चार्ज भी बताएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी देखो आप लोग के लिए मैंने वीडियो बना ही दिया है कि कैसे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस पे करना है, इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे करवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर कोई एरर वगैरह फेस कर रहे हो तो भी आप बता देना। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करके बताया हूँ ना, ये डायरेक्ट लिंक से करके बताया हूँ। एक बार हम डैशबोर्ड में चल लेते हैं कि डैशबोर्ड में आप लोग का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो लॉगिन कर लोगे यहाँ पर, और लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में आओगे और देखते हैं कि वहाँ पर लिंक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो डैशबोर्ड में भी लिंक मिल रहा है, ये देखो, ये आप देखोगे पब्लिक एग्ज़ाम पे पब्लिक एग्ज़ाम फीस अक्टूबर नवंबर 2023, ये लिंक हमें मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जो जो सब्जेक्ट हमने ले रखा है, और जिस सब्जेक्ट का हमें एग्ज़ाम देना है उस सब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे, ठीक है, पेमेंट कर देंगे। याद रखना मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो पेमेंट कर देना। दोनों जगह ही लिंक यहाँ पे आप लोग के लिए अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक किस करना चाहो तो डायरेक्ट लिंक से कर लेना, ठीक है, बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट लिंक से करना, क्योंकि डैशबोर्ड में काफ़ी स्टूडेंट्स को ना लिंक वगैरह मिल नहीं रहा होगा। तो दोनों ही लिंक यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, बाकी जैसे भी आपका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन होता है 20 तारीख से पहले पहले कर लो, लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कुछ दिक्कत आएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना, नहीं तो कमेंट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।